हेलो बच्चों हमारा क्वेश्चन है असरशन द फ्लो ऑफ फ्लूड इज सेट टू बी स्टडी इफ एट एनी गि पॉइंट द वेलॉसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूड पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट देखिए बच्चों तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है मान लीजिए कि ये हमारा कोई फ्लो ऑफ फ्ल्यूड का पाथ है. ये स्ट्रेट भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है और इस पाथ के ऊपर हमने कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया लेटस कंसिडर ये तो इस पॉइंट पे बच्चों जितने भी पार्टिकल जाएंगे इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी इसे ही कहते हम स्टडी फ्लो ठीक स्टडी फ्लो में क्या होगी थ्रू आउट द मोशन किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये हमारा बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है दूसरा है द पाथ टेकन बाय अ फ्लूड पार्टिकल अंडर द स्टडी फ्लो इज स्ट्रीम लाइन यस बच्चों स्टडी फ्लो का क्या मतलब है स्टडी फ्लो स्टडी फ्लो का मतलब है इनकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और वेलोसिटी कांस्टेंट किस में होती है यही तो स्ट्रीमलाइन की कंडीशन है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर जितने भी फ्लूड के पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे मींस ये भी हमारा थ्रू है बट बच्चों ये जो रीजन है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसमें हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है और इसमें वेलोसिटी के बारे में तो बट दोनों ही हमारे ट्रू हैं बोथ असरशन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन इसको करेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा आंसर है टू थैंक यू